नारायण नारायण दोस्तों, कभी कभी रूटीन लाइफ में हमारे साथ में कुछ ऐसा काम होता रहता है, वो डेली रूटीन में ही होता रहता है, तो हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पर वो जो काम लगातार हमारे साथ हो रहे हैं उनके ऊपर सावधान हो जाना हमें बहुत जरूरी है। जैसे कि कंटिन्यूअसली हम मेंटल टेंशन में रहते हैं, हमें बात बात पे डिप्रेशन हो जाता है, घर में कहीं कोई भी जरा सी भी खट पट होती है हम एकदम डर जाते हैं, हमें लगता कौन है, हम कभी कभी चिल्लाने भी लग जाते हैं कौन है कौन है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तंत्र शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि ये बताता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो गया है, ये जादू टोने से असर जो होता है वो है। दोस्तों, आपके घर में यदि कोई काफी समय से बीमार चल रहा है या आप बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो ऐसे में तो काफी परेशानी की बात हो जाती है। बीमारियां भी, टेंशन भी, मानसिक परेशानियां भी, डिप्रेशन भी। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ, ये उपाय आपको रोज करना है दोस्तों, और डेली करेंगे तो आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी का वास है वो धीरे धीरे खत्म होगा और जादू टोनों का असर भी समाप्त होने लगेगा। इसके लिए उपाय ये है दोस्तों, ये उपाय आपको रोज करना है, एक्सेप्ट थर्सडे, यानी कि गुरुवार के दिन ये उपाय मत कीजिएगा। इसके अलावा आप बाकी सभी दिनों में ये उपाय कीजिएगा। आपको लगता है कि यदि आपको ये उपाय आप अपने मेड को कहते हैं करने के लिए और वो भूल जाती है, तो ये आप अपनी जिम्मेदारी पर ले लीजिए कि आपके घर में जब भी पोंछा लगता है, आप लगाए या आपकी मेड लगाए, जब भी आपके घर में पोंछा लगता है तो उस पोंछे के पानी में नमक और फिटकरी, एलम एंड सॉल्ट का पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए। दोस्तों, आप यदि अपने घर में पोंछा लगाने के लिए 2 बार पानी बदलते हैं तो दोनों बार आपको ये करना पड़ेगा, सॉल्ट एंड एलम उसमें डाल दीजिए और फिर उसके बाद में पोंछा लगाइए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव एनर्जी को घर से दूर ले जाती हैं। आप इनको कीजिए, धीरे धीरे आपके नेगेटिव एनर्जी से आपको आराम आने लगेगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, उनको भी हो सकता है ज़रूरत हो। नारायण नारायण।